हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरा नाम है संजीव जोत्रा और आज हम बात करेंगे फेलियर। किसके फेलियर के बारे में? फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। फेलियर के बारे में, ठीक है। यह हम क्या करेंगे, यह हम कह सकते हैं ऑब्जेक्शंस टू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यह हम ड्रॉबैक्स कह सकते हैं। ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकता है। रदरफोर्ड को किसने पॉइंटेड आउट किया? नील बोहर ने। उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी के बारे में, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं कही, ठीक है। इनस्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, इनस्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। दो ड्रॉबैक्स कौन सी है मेन जो हमारे पास है, वो क्या है? इनस्टेबिलिटी किसकी? एटम की। कैसे? नील बोहर ने कहा कि अगर कोई चीज, जैसे मैक्सवेल की थ्योरी ली, मैक्सवेल की थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी इनकी, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अट्रैक्टिव फील्ड में, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट होगा, ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो जैसे जैसे वो चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस वो मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जैसे जैसे मूव करेगा वो अपनी एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। देखो, इसको हमने जब रदरफोर्ड ने कहा था तो क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स कहा था कि इस तरीके से मूव कर रहे हैं जिस तरीके से प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पर अगर मैं उसके साथ कंपेयर करें तो उसमें चार्ज पार्टिकल नहीं थे वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसमें चार्ज पार्टिकल नहीं है। पर इसमें क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिव और बाहर के पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। ये चीज़ उसमें पॉसिबल उसमें नहीं है अगर हम प्लैनेट्स की बात करें और सन की बात करते हैं। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल हैं, उन्होंने कहा मैक्सवेल के मुताबिक कहा कि अगर तो वो चार्ज पार्टिकल है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, जैसे मूव करते जाएंगे तो अपनी एनर्जी लूज करेंगे किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, ठीक है। मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे आया और उसका इस तरीके से ऐसे गए, घूमते गए और उसका जो दायरा है वो कम होता गया और आके वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, आके प्रोटॉन पे, न्यूक्लियस पे आके स्ट्राइक करेगा और पूरे का पूरा एटम क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, वहाँ पे काम तमाम किसका, इसका, पूरे का पूरे एटम का, मतलब इस जो रदरफोर्ड के मुताबिक ये होना चाहिए, जो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन थी, जो कंक्लूजन्स बताए थे उसके मुताबिक। पर बोहर ने कहा कि अगर वो ठीक है, कह रहे हैं कि अगर वो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो ठीक है, चार्ज पार्टिकल अगर अट्रैक्टिव फोर्स की इन्फ्लुएंस में मूव करेगा तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, एक्सेलरेट करेगा तो मूव करेगा, तो एनर्जी अपनी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है। जैसे हम चक्कर लगाते रहे तो आखिर आके
थक जाएगा बंदा, एनर्जी लूज हो जाएगी, छोड़ देगा, करके 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 बंदा आके वहां पे गिर जाता है। तो वही चीज वहीं पे यही कह रहे कि जब वो घूमता जा रहा है घूमता जा रहा घूमता जा रहा अपनी एनर्जी भी तो लूज कर रहा है, एनर्जी लूज करेगा तो वो आके वहां पे आके टकरा जाएगा और पूरे का पूरा एटम वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थी, इनस्टेबिलिटी। इसके बारे में उन्होंने बात नहीं की, किसने, रदरफोर्ड ने बात नहीं की। कहते चलो मान लो फिर इसके मुताबिक अगर इस उनके मुताबिक तो ऐसे होना चाहिए पर ऐसा होता नहीं है तो फिर क्या माना जाए, क्या माना जाए कि दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि ये घूम ही नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेशनरी है। अगर स्टेशनरी है, थॉमसन के मुताबिक क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं वहाँ पे और न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं तो वो स्टेशनरी है तो फिर उनमें आपस में अट्रैक्शन होनी चाहिए, वो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींच जाएगा, ये भी नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं रदरफोर्ड की खामियाँ थी, क्या थी कि उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उनकी रेडिएशन थ्योरी थी उसके मुताबिक उन्होंने जो भी कहा उसके मुताबिक ये पूरा नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे भी एक पहला फेलियर आ गया। ठीक है, वो लगातार अपने रेडिएशन को लूज कर रहे थे। और सेकेंड क्या थी, सेकेंड क्या है कि लाइन स्पेक्ट्रा को भी ऐसे लिख लो, फेलियर टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा, फेलियर टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा। देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है बताइए ना, जब हम को वाइट लाइट प्रिज्म से पास करते हैं तो उसमें क्या है, सेवन कलर्स बन जाते हैं जिसे विबग्योर बोलते हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ते विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पढ़ते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि अगर वो लगातार अपनी रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली इमिट कर रहा है, तो स्पेक्ट्रम भी क्या आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। स्पेक्ट्रम भी क्या आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस, मतलब इसमें सभी सारी वेवलेंथ्स आनी चाहिए, वायलेट, इंडिगो, वायलेट की इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे होना चाहिए। कब होना चाहिए, जब वो लगातार, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा ना, जैसे जैसे घूम रहा है एनर्जी लूज कर रहा, लूज कर रहा, लूज कर रहा, लूज कर रहा, और कॉन्टिन्यूसली लूज करेगा तो उसके स्पेक्ट्रा भी इस तरीके से बनना चाहिए, लगातार बनना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली बनना चाहिए। पर देखा गया कि ऐसा नहीं था, मान लो कहीं पे वायलेट आ गया, इंडिगो आ गया, ब्लू आ गया, आगे नहीं आया, या हम कह सकते हैं अकेले ग्रीन ही आ गया बाकी नहीं आए, तो ऐसा नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं बना। इसका मतलब उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं किया, लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, उसके बारे में बात नहीं की जो आगे पढ़ेंगे, जिसमें क्या आता है, जैसे हाउ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम्स में, किस तरीके से पढ़े हैं, जैसे हम आगे पढ़ते हैं ना जाके, किस तरीके से ऑर्बिटल है, सब शैल है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बारे में उन्होंने बात नहीं की। हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किस तरीके से पड़े हुए हैं, ऑर्बिट में पड़े हैं, ऑर्बिटल में है, एंड वट आर द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो मेन जो था, उन्होंने दो चीज़ें वैसे एक्सप्लेन नहीं की, एक तो स्टेबिलिटी के बारे में, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में, और लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में उन्होंने बात नहीं की। तो इसको आगे इम्प्रूव किन्होंने किया, जो हमारे बोहर थे, बोहर एटॉमिक मॉडल था, वो आगे आया, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हालांकि ये हम ये नहीं कहते कि ये फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, इसमें से भी काफ़ी चीज़ें मिली, निकली, काफ़ी ज़्यादा कंक्लूजन निकले जो आगे हम लेके गए, और बोहर ने भी उनको यूज़ किया। ठीक है, तो ये भी हम इन्हें एकदम से नकार नहीं सकते, इनमें से भी काफ़ी सारे हिंट मिले हमें पूरे एटम के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जानने में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैं बात किया फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल और ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। तो अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे बोहर मॉडल के साथ। इजाज़त दीजिए, थैंक यू, गुड बाय।
टेक केयर।